नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका चहेता दोस्त नरेंद्र देव, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के ऐसे 5 रहस्यमय मंदिरों के बारे में जिनका रहस्य का पता वैज्ञानिक आज तक नहीं लगा पाए। आप भी इन 5 रहस्यमय मंदिरों के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं इन दिव्य रहस्यमय मंदिरों के बारे में। दोस्तों, इन मंदिरों के बारे में जानने से पहले आपके भाई का बस एक ही निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय भोले लिखना ना भूलें और हमें ये बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन रहस्यमय मंदिरों के बारे में कुछ अनोखी जानकारियाँ। तो नंबर 1 पर है मुर्गन मंदिर। ये मंदिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 75 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसे श्री मुर्गन मंदिर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, शायद आपको जानकारी ना हो, लेकिन मुझे मिली जानकारी के अनुसार 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इस मंदिर पर आक्रमण करके इस मंदिर का सारा खजाना लूट लिया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, वहाँ लगी भगवान कार्तिकेय की मूर्ति को लेकर भाग रहे थे, जो पंचतंत्र से बनी थी। लेकिन जैसे ही समुद्र के बीच में पहुंचे, मौसम बिगड़ गया, तूफान और बारिश आना शुरू हो गई। आंधी तूफान बारिश देखकर नाविक ने कहा, ये तो मूर्ति का प्रकोप है, हम इसे नहीं ले जा सकते, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तब ऐसा सुनकर जहाज के कैप्टन ने मूर्ति को अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में ही छोड़ दिया। और फिर दूसरे दिन मुर्गन स्वामी अपने भक्त के सपने में आए और बताया, उन्होंने अपने भक्त से कहा कि मेरी मूर्ति और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, समुद्र में जाओ और जहां आपको नींबू तैरता दिखाई दे, उसी के नींबू के नीचे हमारी मूर्ति आपको मिलेगी। उसके बाद जब वो भक्त अपने मुर्गन स्वामी की मूर्ति ढूंढने गया तो सच में उसे नींबू तैरता दिखाई दिया और उसके नीचे ही उसे उसकी उनकी मूर्ति मिल गई। दोस्तों, और एक अनोखी बात कि सन 2004 में यहां एक सुनामी आई थी, लेकिन मंदिर के पास ही आते ही वो सुनामी 2 किलोमीटर दूर चली गई। दोस्तों, समुद्र किनारे बना ये मंदिर आज भी बिल्कुल सुरक्षित मौजूद है। नंबर 2, माँ मुंडेश्वरी मंदिर। बिहार के कैमूर जिले में स्थित मां मुंडेश्वरी देवी का प्राचीन और रहस्यमय मंदिर। इस मंदिर का संबंध मार्कंडेय पुराण से जोड़कर बताया जाता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मंदिर की कथा चंडमुंड के वध से जुड़ी हुई है, जो शुंभ निशुंभ के सेनापति थे, जिनका वध इसी मंदिर की भूमि पर हुआ था। इस मंदिर पर बकरे की बलि बहुत ही अनोखे ढंग से दी जाती है। दोस्तों, बड़ी अनोखी बात है कि यहाँ बलि में बकरा चढ़ाया जाता है, लेकिन उसका जीवन नहीं लिया जाता, बल्कि बकरे को देवी माँ के सामने मंदिर में लाकर पुजारी उस पर चावल और फूल चढ़ाते हैं, जिससे वह कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है और उसकी जिंदा बलि माँ स्वीकार कर लेती है। और अब नंबर 3, गगनमठ। यह शिव मंदिर है। गगनमठ शिव मंदिर हजारों साल पुराना, रहस्यमयी और अपने भीतर तमाम अनोखी चीजों को समेटे हुए एक रहस्यमयी शिव मंदिर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर में ना ही कोई खिड़की है और ना ही कोई दरवाजा, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर ये मंदिर बनाया गया है। मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि ये पत्थर लटक रहे हों और ये कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन महादेव की कृपा अनुसार ये बड़े से बड़े आंधी तूफान भी इन पत्थरों को हिला नहीं सकते। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर दूर दूर तक कहीं भी एक ऐसा पत्थर नहीं है, फिर ये जो पत्थर मंदिर में लगे हुए हैं, इन्हें कहाँ से लाया गया। और दोस्तों, इस मंदिर के बीचों बीच एक शिवलिंग स्थित है। कहा जाता है कि इसे रातों रात भूतों ने बनाया, और ये मंदिर दोस्तों एक ही रात में भूतों ने बनाया था। बनाते बनाते जब सुबह हो गई तो मंदिर अधूरा रह गया। कहा जाता है कि आज भी शिव जी की पूजा करने रात में यहाँ भूत आते हैं। नंबर 4, लाटू देवता का मंदिर। उत्तराखंड में चमोली जिले के एक वाण नामक गाँव में स्थित है ये लाटू देवता का मंदिर। यहाँ की एक रहस्यमय बात की जहाँ पर भक्त अंदर प्रवेश नहीं करते मंदिर में, बल्कि मंदिर से 30 फुट दूर मंदिर परिसर में रहकर ही वहां से ही पूजा करते हैं, क्योंकि वहां के भक्तों को ऐसा बताया गया है कि मंदिर के अंदर जाने से वो अंधे हो सकते हैं। लाटू देवता का इस मंदिर का दरवाजा साल में केवल एक ही बार खोला जाता है, और जब ये दरवाजा खोला जाता है तो केवल मंदिर के अंदर पुजारी ही प्रवेश करते हैं, वो भी अपनी आंखों में पट्टी बांधकर, क्योंकि इस मंदिर के अंदर साक्षात नागराज मौजूद हैं अपनी मणि के साथ, और इस मणि से तेज रोशनी निकलती है जिसे कोई आम इंसान अपनी आंखों से देख नहीं सकता। तो ऐसा कहा जाता है कि इस मणि की रोशनी से कोई भी अंधा हो सकता है, और इसीलिए पुजारी भी अपनी आंखों में पट्टी बांधकर अंदर जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि पुजारी की गंध नागराज तक और नागराज की गंध पुजारी तक नहीं जाना चाहिए, और इसीलिए पुजारी नाक और मुंह में भी पट्टी बांधकर अंदर जाता है। नंबर 5, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। भारत के केरल राज्य के दुर्वनपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर श्री हरि विष्णु का सबसे बड़ा और रहस्यमय मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित 7 दरवाजों में से
छह दरवाजों को खोला जा चुका है, जिसमें इतना खजाना निकला कि उसे गिनने में 3 साल लग गए। और इसीलिए प्रशासन ने 7वें दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं खोल पाए, क्योंकि हमेशा अनहोनी होती रही और जो भी दरवाजे को खोलने जाता उसकी मृत्यु हो जाती थी। उस द्वार पर 2 सांपों के चित्र बने हैं जो कि एक चेतावनी के रूप में है। इतिहास में कई आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को लूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक कोई कामयाब ना हो सका। उस मंदिर के दरवाजे को नाग पास मंत्र से बांधा गया है और कहा जाता है कि जो कि सिर्फ गरुड़ मंत्र के उच्चारण से खुल सकता है। दोस्तों, अगर दरवाजे पर कान लगाकर सुना जाए तो दरवाजे के अंदर सांपों की सरसराहट और समुद्र का शोर सुनाई देता है। लोगों के अनुमान के अनुसार उस दरवाजे के अंदर ब्रह्मास्त्र, कौस्तुक मणि और बहुत ही खतरनाक हथियार छुपाए गए होंगे, जिनका इस्तेमाल महाभारत के युद्ध में किया गया था। कहा जाता है कि हिंदू पुराणों के अनुसार उस द्वार को भगवान कल्कि ही खोले। तो दोस्तों, इतना ही था हमारे आज के वीडियो में। वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो कृपया हमारे चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में जय भोले लिखना न भूलें। अब फिर मिलते हैं आपको अगले और नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।